मैड। दोस्तों मैड का मतलब समझते हैं, MAD, मैड। दुनिया जिसको पागल बोलती है वो हमेशा एक चीज के पीछे पागल रहते हैं, मेक अ डिफरेंस। मैड मींस मेक अ डिफरेंस। दोस्तों सुनाता हूं एक कहानी जिसमें एक व्यक्ति है जो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और उस जर्नी में एक बड़ा सा जंगल पड़ता है। तो वो जंगल में घुसने से पहले ये सोचते रहता है कि अरे यार मेरी गाड़ी खराब ना हो जाए, जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ परेशानी ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, ये सोचते सोचते जा रहा होता है। जैसे ही जंगल एंड होने वाला रहता है उसके कुछ किलोमीटर पहले गाड़ी का एक पहिए का चारों का चारों बोल्ट निकल जाता है और गाड़ी का पहिया कहीं दूर चला जाता है। अब जो उस ड्राइवर का कंडीशन था वो देखने लायक था, वो जो सोच रहा था वही हो गया और सच में जो हम मांगते हैं वही मिलता है और वो मिल भी गया उस व्यक्ति को। जब उसने ये देखा शाम होने वाली थी, परेशान होने लगा कि अरे यार कैसे भी करके शाम से पहले तो निकल जाऊं इस जंगल से, लगा वो हेल्प मांगने, लेकिन उस जंगल में कोई अवेलेबल नहीं। तो उसको कुछ दूरी पर एक गांव दिखाई दे रहा था, तो भागते 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 वो गया गांव में पहुंचा। तो गांव में घुसने से पहले ही एक पागल खाना था। उस व्यक्ति को पता नहीं था कि ये पागल खाना है, वो जोर जोर से आवाज दे रहा है, हेलो कोई है क्या, कोई है क्या, मेरी मदद करेगा क्या। वो सुन के एक पागल आया, बताओ क्या मदद कर सकते हैं। तो उसके हाव भाव से देख के लगा कि अरे यार ये क्या मेरी मदद करेगा, ये तो लग रहा है कि पागल है। तो बोलता है छोड़ यार तू क्या मेरी मदद करेगा। वो गया गांव में अंदर, वो पागल चिल्लाता रहा बता ना भाई प्रॉब्लम क्या है वो तो बताओ। वो व्यक्ति भागता भागता गया, पागल इधर पीछे से चिल्लाता रहा भाई बता ना मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, बता तो सही प्रॉब्लम क्या है वो तो बता। वो व्यक्ति बोला यार तू तो पागल है, तू क्या बताएगा, तू रहने दे भाई मैं जाता हूँ। वो गांव में थोड़ा आधा किलोमीटर और अंदर गया, जब उस गांव में गया किसी ने उसकी मदद करने के लिए हामी नहीं भरी, कोई अग्री नहीं हुआ कि हाँ भाई चल मैं तेरी सपोर्ट कर लूं। वो वापस आने लगा, वापस जैसे ही आ रहा था वो पागल वहीं पे खड़ा था और उस व्यक्ति के पैर पकड़ ले, बोले भाई बता बता तुझे प्रॉब्लम क्या है, मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ, बता, तो बताएगा नहीं तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। वो व्यक्ति बोला ठीक है यार ये तो पागल है, कर भी क्या सकता है, इसको बता दो, अभी तो मैं सब जगह से निराश हो ही चुका हूँ, तो इसको भी बता ही देता चल। उसने बताया कि अरे यार मैं जंगल से जा रहा था, अब तक मेरे एक पहिए के चारों बोल्ट है जो निकल गए और मेरा पहिया निकल गया, अब मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, बता क्या कर सकता हूँ। पागल थोड़ा हंसा, मतलब बस इतनी सी बात के लिए इतना क्यों भाग रहा था भाई, मेरे सिंपल था, तुम्हारे गाड़ी में चार पहिए हैं, तीन पहिए का ओके है, तीनों में से एक एक बोल्ट निकाल लो और इस जो चारों निकला है पहिया उसमें लगा दो, यानी कि अब चारों पहिए में तीन तीन बोल्ट है, आपकी गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। उस व्यक्ति को एकदम से बत्ती चली, अरे हो यार ये छोटी सी बात मुझे क्यों नहीं समझ में आई। तो उस व्यक्ति ने बहुत धन्यवाद दिया उस पागल को, बहुत धन्यवाद दिया, बोले कि मैं जब इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूं मुझे समझ में नहीं आया तूने कैसे बता दिया, मेरे भाई तू तो मेरे बहुत काम आया। तो उस पागल ने बोला कि ये छोटी छोटी चीजें परे दिमाग में रखने के लिए पागल बनना पड़ता है। तो दोस्तों पागल बनो, अपने सपनों के पीछे पागल बनो, मेक अ डिफरेंस, मैड, बिकम अ मैड। अगर मैड बनोगे तभी चीजों को अलग तरीके से कर पाओगे। दोस्तों अपने आप को प्रूव करने के लिए मैड तो बनना ही पड़ता है, जब तक पागलपंथी नहीं आएगी तब तक कोई सपना पूरा नहीं होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, कोई भी सुझाव है या कोई भी शिकायत है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए वहां पर, क्योंकि मुझे आपसे फीडबैक चाहिए, कहीं भी कमी है तो जरूर लिखिए ताकि मैं उस चीज को सुधार सकूं। रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज मुझको कमेंट करके बताइए कि हाँ भाई तेरी ये कमजोरी है या तेरी ये गलती है, इसको इम्प्रूव कर। सबका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अंत में इतना ही कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन टैप कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।